स्टार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रेमिका को पाने के लिए उसके पति को रास्ते से हटाने की रची साजिश, मुंब्रा पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें ये पूरा मामला दिवा का है। दरअसल फरियादी दिलीप कुमार की बीवी का प्रेम प्रसंग दिवा के ही रहने वाले रुपेश अभिमन्यु पाटिल 39 वर्षीय से था और प्रेमिका को हासिल करने के लिए अभिमन्यु ने एक बड़ी साजिश रच डाली। अभिमन्यु ने प्रेमिका के पति को डरा धमका कर रास्ते से हटाने का फैसला किया, जिसके बाद अंबरनाथ के रहने वाले साजन जयदास पाटिल 21 वर्षीय और सनील सुरेश राजभर 29 वर्षीय को प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाने की सुपारी दे डाली और दिवा आगासन रोड पर ऑटो रिक्शा में फरियादी दिलीप मौर्य जा रहा था, तभी साजन और सुरेश ने बाइक से ओवरटेक कर रिक्शा रोक दिया और पिस्टल की नोक पर प्रेमिका के पति को डराया धमकाया कि वो अपनी बीवी से अलग हो जाए, नहीं तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इस पूरे मामले में फरियादी दिलीप मौर्य ने मुंब्रा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और महज 48 घंटों के अंदर ही असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सेंगले, API उगल मुगले और PSI गुघे की टीम ने आरोपी साजन पाटिल और सनी सुरेश को पकड़ लिया। इन दोनों से पूछताछ में पता चला कि इनको रुपेश अभिमन्यु पाटिल ने ऐसा करने को कहा था, जिसके बाद रुपेश और अंकित मोरेश्वर सिंधे नाम के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी 18 सितंबर को हुई थी। इनके पास से एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस ने इन पर IPC की धारा 506(2), 504, 341, 120(b) सहित आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दिवा में फायरिंग का जो मामला है, ये दरअसल पूरा मामला है क्या और कितने आरोपी इस मामले में पकड़े गए? दिनांक 15/9/2021 को फिरियादी दिलीप मौर्य ये आगासन रोड से ऑटो में जा रहा था। रात को 9:30 की टाइमिंग था, तब दो लोग मोटरसाइकिल पे आए और उसको नीचे उतार दिया और पिस्तौल लगा दिया और उसको धमकी दिया जान से मारने की। वो भाग गया, फिर उसके पीछे दौड़े लोग, फिर मानव कल्याण हॉस्पिटल के पास में गए, वहाँ फिर उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। हमारे दिवा के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर श्री शेरके, API उगल मुगले और PSI घुगे, इन्होंने और उनके DB टीम ने इसमें टेक्निकल तरीके से तपास करके दो लोगों का अटक किया। उसमें सनी राजभर ये मेन एक्यूज था, जिसके पास में पिस्तौल था, और दूसरा साजन पाटिल था। ये दो लोग उसके पीछे पिस्तौल लेके दौड़े थे। फिर तपास में ये जानकारी मिली कि रुपेश अभिमन्यु पाटिल उर्फ मात्रे ये दिवा का ही रहने वाला है। इसने इन लोगों को बोला था कि इसको यहाँ से उसको मारना है और इसको यहाँ से भगाना है। इसका रीज़न ये था कि जो कंप्लेनेंट है उसके औरत के साथ ये रुपेश पाटिल के संबंध थे और वो उसको ये आदमी को यहाँ से निकाल देना था और अपने उसके औरत से उसको भगाना था, इसीलिए इसने प्लान करके एक सब कारनामा किया था। यही रुपेश पाटिल ने और दो लोग लगा के ये जो फिरेदी है दिलीप पाटिल, इसकी दिसंबर 2020 में एक वही रोड पे रॉबरी किया था और तब भी इसको चाकू से मार दिया था और गाड़ी से गिराया था और तब रॉबरी करके लोग भाग गए थे। ये इसीलिए ये गुनाह किया था क्योंकि ताकि ये यहाँ से भाग जाए और उसकी औरत के साथ उसको ये जो रुपेश पाटिल है इसको रहने को मिले। ये केस में टोटल चार लोग एक्यूज अरेस्ट किए हुए, उनको 18 तारीख को अरेस्ट किया था तो उनको आज तक PCR था और आज वापस उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया तो 24 तारीख तक कोर्ट ने PCR दिया हुआ है। सर, जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं दरअसल ये लोग कहाँ के रहने वाले और इसका बैकग्राउंड? एक आरोपी जो है वो अंबरनाथ का है और वो दूसरा आरोपी साजन पाटिल, ये अंबरनाथ का है और सनी राजभर जो है वो डोंबिवली का है और इनके पास से हमने एक पिस्तौल और दो कारतूस सीज किए हुए हैं।